मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस लेक्चर ऑफ इंग्लिश। आई होप ऑल आर यू सेफ एंड हेल्दी एट योर होम। इन दिस लेक्चर वी विल डू आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग। सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम अकॉर्डिंग टू 2020-21 प्रिस्क्राइब सिलेबस बाय CBSE। Again, I want to tell you, if there is any change in syllabus, I will inform you lately. So, today we will discuss on article writing. So, this is 5 marks question, format 1 mark, content 2 marks, and expression is 2 marks, total 5 marks. And we have to answer this question in 120-150 words. It is a descriptive and analytical in nature and based on verbal inputs. Expression means grammatical accuracy, appropriate words and spelling, coherence and relevance of ideas and style. तो हमें हमारा जो टॉपिक है उसी पे हमें बेस्ड रहना है ना? और लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल, attractive and simple. Do not make too many mistakes, grammatically mistakes, and write in a proper format. So first of all, what is article? So article express the personal opinion of the writer. Input for an article may be in the form of verbal, visual inputs. The output may be descriptive or argumentative. आर्टिकल जो है इज सेम एज एसे राइटिंग, इट इज़ अ पर्सनल ओपिनियन ऑफ राइटर। तो ये वर्बल भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, और जो आउटपुट है, जो कंक्लूजन है, वो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, और या तो हम किसी चीज़ पे आर्गुमेंटिव हो सकते हैं, आर्गुमेंट्स करते हैं अपने टॉपिक में, अपने कंटेंट में। तो एक अच्छे आर्टिकल के लिए हमें कुछ चीज़ों को हमारे माइंड में रखना है, जिससे हम जो मैक्सिमम स्कोर जो है वो इस क्वेश्चन में गेन कर पाएँ। सो टॉप टिप्स आर पर्पस ऑफ आर्टिकल राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, एन आर्टिकल इज़ रिटन टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ वैरायटी ऑफ थीम्स इन अ लॉन्ग एंड सस्टेन पीस ऑफ राइटिंग। आर्टिकल में जो है वो आपको कोई इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरों तक पास ऑन करनी है। तो थीम आपकी अच्छी होनी चाहिए और लॉजिकल वे में सीक्वेंसली होना चाहिए, और ये थोड़ा लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग है। तो ये बेस्ड होता है स्पेशली डिस्क्राइबिंग एन इवेंट, अ पर्सन, हिज लाइफ एंड एक्शन। किसी इवेंट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी पर्सन के बारे में हमें बताना होता है उसकी लाइफ के बारे में, या उन्होंने क्या काम किए, उनके एक्शंस क्या थे। नरेटिंग एन इवेंट, किसी इवेंट को हमें नरेट करना है इन आवर ओन लैंग्वेज। डिस्क्राइबिंग अ प्लेस, किसी प्लेस के बारे में, एग्जांपल ताजमहल, रेड फोर्ट एंड एक्स्ट्रा। एक्सप्रेसिंग व्यूज ऑन सम इश्यूज ऑफ सोशल इंटरेस्ट, कुछ सोशल इशूज, सोशल इंटरेस्ट के इश्यूज हैं, उन पे हमें अपने व्यूज जो है वो प्रेजेंट करने हो सकते हैं। एक्सप्रेसिंग आर्गुमेंट्स इन फेवर और अगेंस्ट अ स्टेटेड हाइपोथेसिस और इवेंट, है ना, कोई धारणा बन गई है समाज में, है ना, उसके ऊपर हमें जो है अपने चीज़ें एक्सप्रेस करनी है, अपने आर्गुमेंट्स, या तो फेवर में या अगेंस्ट, फॉर द मोशन और अगेंस्ट द मोशन, या किसी इवेंट के बारे में उसके फेवर में और या तो उसके अगेंस्ट। सो टाइप्स ऑफ आर्टिकल, देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, मैगजीन आर्टिकल्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। मैगजीन आर्टिकल्स मे बी अ फॉर अ स्कूल एंड मे बी अ हैव अ लिमिटेड ऑडियंस। मैगजीन आर्टिकल्स जो हैं वो हम स्कूल के लिए लिख सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट के लिए लिख सकते हैं, और इसमें ऑडियंस जो है वो लिमिटेड ऑडियंस होती है ना, स्कूल में जो है या किसी इंस्टीट्यूट में उससे जुड़े हुए जो एम्प्लॉयज़ हैं या स्कूल से रिलेटेड पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं, वही टीचर्स हैं, वही ऑडियंस हो सकते हैं।
मैगजीन आर्टिकल्स के लिए। बट इन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैव अ वाइडर ऑडियंस। लेकिन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जो हैं उसमें बहुत बड़ी ऑडियंस होती है। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा एक पेज जो है वो स्पेशल आर्टिकल्स के लिए ही होता है, उसमें फेमस जो राइटर्स हैं उनके आर्टिकल्स जो है वो पब्लिश होते हैं। एंड एट प्रेजेंट सिचुएशन वही एक पेज है जो कि रीडेबल है, जो कि हमें इंफॉर्मेटिव है न्यूज़पेपर्स में। तो इट शुड, जब भी हम बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल राइटिंग करेंगे तो इट शुड बी इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। तो लेट्स डिस्कस सम पॉइंट्स अबाउट फॉर्मेट। पार्ट वन इज हेडिंग। इट शुड बी आई कैचिंग, इनकैप्सुलेटिंग द सेंट्रल थीम। आर्टिकल राइटिंग का जो हेडिंग है वो बहुत आई कैचिंग होना चाहिए। शुड बी वेरी वेरी प्रिसाइज विद इन 2-3 वर्ड्स। और इट रिप्रेजेंट अ सेंट्रल थीम ऑफ आवर टॉपिक। बाय लाइन, बाय होम द आर्टिकल इज रिटन। और उसके नीचे ही हम लिखेंगे कि आर्टिकल जो है वो किन के द्वारा लिखा गया है। हेडिंग के बाद हमें लिखना है कि होम द आर्टिकल इज रिटन। क्लियर। पार्ट टू इज इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। द ओपनिंग पैराग्राफ कॉल्ड द इंट्रोडक्शन इज अ मस्ट। इट टेल्स व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट, कैच अटेंशन, है ना। तो बोला भी गया है कि एक अच्छी शुरुआत जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। तो ओपनिंग पैराग्राफ जो है वो हमारा डिस्क्राइब करेगा कि आर्टिकल जो है वो किस टॉपिक के बारे में है, आर्टिकल का टॉपिक क्या है, ब्रीफली उसको डिस्क्राइब करेगा और ऑडियंस की अटेंशन जो है वो कैच करेगा ताकि वो रिमेनिंग आर्टिकल जो है वो रीड करें। लिमिट्स एंड कंट्रोल्स व्हाट यू प्लान टू डिस्कस इन योर आर्टिकल। तो ये आपको बताएगा कि आप जो है आर्टिकल में क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ अराउज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। कंटेंट लैंग्वेज दैट इज क्लियर एंड प्रिसाइज। इट मे इवन यूज अ डेफिनेशन और कोटेशन। हम डेफिनेशन और कोटेशन यूज कर सकते हैं लेकिन लैंग्वेज शुड बी क्लियर एंड सिंपल और प्रिसाइज, है ना। वो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि पूरा आर्टिकल जो है वो एक ही पैराग्राफ में, सिंगल पैराग्राफ में हमें ख़त्म कर देना है, ऐसा नहीं करना है। पार्ट थ्री, डेवलप कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो यूज फैक्ट्स, ये मेन पॉइंट है जिसमें हमें अपने टॉपिक के सपोर्ट में जो डिटेल्स है वो लॉजिकली अरेंज करनी है। फैक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं, गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर व्यूज। हम हमारे व्यूज को सपोर्ट करने के लिए कुछ फैक्ट्स दे सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं। प्रेजेंट आर्गूमेंट इन अ कोहेरेंट लॉजिकल एंड कन्विंसिंग मैनर। तो हम जो आर्गूमेंट्स दे रहे हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए। और हमें क्या करना है, हमें इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है, मतलब दूसरों को अपनी इंफॉर्मेशन के साथ कन्विंस करना है। सो इट शुड बी इन अ कन्विंसिंग वे। क्लियर। फोर्थ पार्ट जो है वो कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। गिव्स व्यू कॉन्ट्रेरी टू योर्स, है ना। दो चीज़ों के हम कॉन्ट्रास्ट करके बताएंगे कि ये चीज़ अच्छी है या ख़राब है एंड वाई, कैसे कन्वे वाई योर व्यूज आर बेटर। आपको बताना है कि आपके व्यूज जो हैं वो कैसे दूसरों से अच्छे हैं, या जो टॉपिक है अगर किसी प्रॉब्लम पे हम डिस्कशन कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन जो है वो हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में करेंगे, है ना। तो हमें बताना है कि वाई योर व्यूज आर बेटर। इन पार्ट फिफ्थ इज कंक्लूजन विच इज समिंग अप कंसोलिडेशन ऑफ आइडियाज। तो हमें अपना पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट करना है। ऑफरिंग सजेशन मेजर्स टू इम्प्रूव द सिचुएशन। कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, उसके लिए आपके सजेशंस, है ना। किसी सिचुएशन को, जैसे पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है तो इसमें हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं खुद को, अपने समाज को। पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड प्रेडिक्शंस, आपके कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशन होंगे, पर्सनली आपके कुछ सजेशंस होंगे, वो कुछ प्रेडिक्शंस होंगे, वो आपको लास्ट पैराग्राफ में जो है वो कन्वे करने हैं। कुछ चीज़ें जो हैं
वी हैव टू कीप इन आवर माइंड वाइल राइटिंग अ आर्टिकल. फर्स्ट इज डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स. हमें हमारा आर्टिकल जो है वो कंपल्सरी 150 वर्ड्स में ही कंप्लीट करना है. डोंट अटेम्प्ट टू राइट अबाउट एवरी सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. सिलेक्ट ओनली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, है ना. जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है हमारे टॉपिक से जुड़ी हुई, हमें वही इंफॉर्मेशन जो है वो अपने आर्टिकल में प्रेजेंट करनी है, ना कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो सब. इट शुड बी रिलेटेड टू अवर टॉपिक. ऑलवेज राइट द आर्टिकल इन द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट एंड स्टाइल. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो फॉर्मेट दिया गया है, बताया गया है, हमने डिस्कशन किया है, इसके बाद आपको एक एग्जांपल में भी मैं आपको बताऊंगा, वही फॉर्मेट में हमें जो है आर्टिकल कंप्लीट करना है. कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो वीडियोस नहीं देखते, लाइव लेक्चर में नहीं आते और उनको फॉर्मेट पता ही नहीं होता, है ना. तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, यू शुड राइट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, स्पेशली राइटिंग स्किल. क्लियर. लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, फॉर्मेटिव होनी चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है. नाउ आई विल शो यू वन एग्जांपल ऑफ आर्टिकल राइटिंग. हियर यू कैन सी एग्जांपल ऑफ आर्टिकल राइटिंग. टॉपिक इज चेंजिंग जेंडर रोल्स, है ना. फर्स्ट इज heading title, then by line which we earlier discussed, written by Shreya, class 12th. Then first paragraph is introductory paragraph, second and third paragraph is a supporting details or which is arranged logically, and last paragraph is summing up. And don't do your sign at the last. Clear. बॉक्स बनाना कंपलसरी नहीं है. हियर यू कैन सी, यू कैन रीड होल आर्टिकल. एंड आई ऑल्सो सेंड यू सम ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिकल राइटिंग फॉर योर प्रैक्टिस, विच यू हैव टू राइट इन योर ग्रामर नोटबुक एज इन क्लास 11th वी मेड two notebooks for English. In class 12th also we have to make two notebooks for English. One is for writing skill and other is for literature. Clear. Supplementary literature, points and supplementary reading, Flamingo and Vistas. We can divide the notebook into two parts. In first part we have to write Flamingo and second is Vista. Clear. We have to make two notebooks. Okay students, I hope you understood article writing, and if you have any doubt, any questions regarding this topic, you can ask me in live lecture. Thank you very much. Thanks for joining.